तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Google AdSense का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करें न्यू अपडेट आने के बाद, यानी 2024 में Google AdSense का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करें। उससे पहले हम ये जान लेते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना क्यों अनिवार्य होता है। यानी कि दोस्तों जब भी आप YouTube चैनल क्रिएट करते हैं उससे पैसे कमाने के लिए आपको मोनेटाइज करना पड़ता है। जब आप मोनेटाइज करते हैं तो वहां पर आप गूगल एडसेंस से लिंक करते हैं। लिंक इसलिए करते हैं कि आप YouTube से डायरेक्टली पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है, उसके लिए आपको गूगल एडसेंस बनाना पड़ता है। तो गूगल एडसेंस का जो प्रोसेस है, जैसे ही आप गूगल एडसेंस बना लेंगे, लिंक कर लेंगे, इसके बाद उसी में प्रोसेस आता है कि जब भी आप YouTube से $10 की अर्निंग कर लेंगे वो गूगल एडसेंस में चला जाएगा, तो आपका वहां पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगेगा। क्योंकि वहां पर जैसे ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद वहां पर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप अपने बैंक अकाउंट को जोड़कर वहां से पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अनिवार्य है गूगल एडसेंस में। अब इसे किस तरीके से करना है, जब आपके $10 कंप्लीट हो जाए, आपके एडसेंस में शो होने लगे, तो वहां पर आपको एक्शन बटन मिल जाता है या फिर नीचे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं मोबाइल फोन के जरिए, वो फुल प्रोसेस बताएंगे। क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन काफी लोगों के पास होता है, जिसके बाद पीसी है उसका भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। जिस तरीके से मोबाइल फोन में बताएंगे वही पीसी में भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए हम अपने गूगल क्रोम में आ चुके हैं। गूगल क्रोम में जाने के बाद आप किसी भी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ। सिंपली गूगल क्रोम में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या टाइप करूंगा, इसे के लिए यहाँ पर मैं टाइप करूंगा गूगल एडसेंस। यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स पे आपको जाना है। सर्च बॉक्स पे जैसे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे गूगल एडसेंस। चलिए मैं गूगल एडसेंस टाइप कर लेता हूँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर किस तरीके से आपको अपलोड करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से नेम डालना वो भी बताने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर गूगल एडसेंस सबसे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट विथ, इस तरीके का वेबसाइट आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है, ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। आप गूगल क्रोम पे जैसे ही ओपन करेंगे इसे डेस्कटॉप साइट पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डेस्कटॉप साइट पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करके इसे लॉग इन कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके मोबाइल फोन में जो जो जीमेल आईडी होगी शो हो जाएगी। अगर एक जीमेल आईडी रहे डायरेक्टली लॉग इन हो जाएगी, तो मेरे में 2 जीमेल आईडी है। जिस जीमेल आईडी से मैंने बनाया हुआ है उसे इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। गूगल एडसेंस जिस जीमेल आईडी से बनाया हुआ है उस पर जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस हो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे उस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है, यहाँ पर पेमेंट इन्फो ग्रीन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पर दिख रहा हो ना, दे आर समथिंग टू चेक योर एडसेंस फॉर पेमेंट्स अकाउंट, यहाँ पर दिख रहा हो कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक्शन बटन आप सभी को मिल जाएगा, जो कि आप सभी देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक्शन बटन मिल जाएगा, तो इसी पर आपको क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं इसी पर क्लिक करता हूँ, एक्शन रिक्वायर्ड वाले बटन पर। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, इसके बाद आप ध्यान से समझिए कि क्या क्या चीज़ें आपको नीड पड़ेगी, क्या कैसे फिल करना वो भी बताने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है, देखिए ये आपको दिख जाता है कि आपके $10 कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप YouTube से अर्निंग कर चुके हैं $10 की, जब तक आप Google AdSense में नहीं आएगा तब तक वेरीफाई का बटन नहीं मिलता। तो मेरे में कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो ये वेरीफाई का बटन मिल रहा है, तो मैं वेरीफाई बटन वाले क्लिक कर दूंगा, ठीक है। वेरीफाई बटन पर जैसे क्लिक करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है नीडेड फॉर वेरीफिकेशन, मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको वेरीफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा ना, अर्न एन आईडी टू वेरीफाई रियलिटी यू, यानी कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों, सबसे पहले ड्राइवरी लाइसेंस की, इसके बाद पासपोर्ट की, इसके बाद पैन कार्ड की, जो कि पहले नहीं था, अब कंपलसरी कर दिया गया है, अब से आने लगा है पैन कार्ड, वोटर आईडी की, ठीक है। तो मैं पैन कार्ड के थ्रू ही करने वाला हूं, तो सिंपली मैं पैन कार्ड पे क्लिक करूंगा। तो चलिए यहां पर अभी पैन कार्ड पे नहीं क्लिक करना है आपको, नीचे यहां पर वेरीफिकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट वेरिफिकेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी इलीगल नेम है अपने आधार कार्ड पर उस पर यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मेरा जो आधार कार्ड पे नेम है, जिसके नाम से मैंने आईडी बनाया था, उनका नाम है सोनी यादव, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सोनी यादव, इस तरीके से टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपलोड आईडी,
यहाँ पर सेलेक्ट आईडी टाइप, तो सिंपली यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं पैन कार्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको शो हो रहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, सारा कुछ शो हो रहा है। तो मैं पैन कार्ड को, इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रंट आईडी, इसके बाद बैक आईडी। तो मैं फ्रंट आईडी को अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सबसे पहले मैं गैलरी को यहाँ पर पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मीडिया से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपलोड पर क्लिक किया, इसके बाद मीडिया पर गया, तो यहाँ पर मेरा जो भी गैलरी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करके रखा है सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं इमेज वाले सेक्शन पे चलता हूँ, शेयर बाय नियर पे चलता हूँ। तो सबसे पहले ये फ्रंट का आईडी मैं चूज कर लेता हूँ, जो भी फ्रंट का है, तो मैंने फ्रंट का चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर बैक का भी चूज करना होगा। बैक के लिए यहाँ पर बैक पे, यहाँ पर अपलोड पे जाएंगे, मीडिया को चूज कर लेंगे। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरीके से पहले से अपने आईडी को वाइट पेपर पे रख के उसका आईडी का अच्छे तरीके से आपको फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, अपना नेम डालने के बाद, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सारा कुछ आपने देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। नंबर पे जैसे ही आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर, इसके बाद सेकंड नंबर पे एड्रेस डाला होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एड्रेस, यहाँ पर स्टेट एड्रेस लिखा हुआ है ना, तो इसमें सारा एड्रेस डाल देना अपने विलेज का, इस बार पोस्ट डाल कर पोस्ट का, इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में अपने तहसील का, इसके बाद लास्ट में अपने ज़िले का, इसके बाद लास्ट में आप प्रदेश का भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश आप डाल सकते हैं। जैसे सिटी आपके आसपास गाजीपुर यहाँ पर है तो गाजीपुर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड अपना सही सही डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टेट फिर से आ गया, और इसके बाद क्या ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर नीचे में लास्ट में आएंगे तो सबमिट का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे ये सबमिट का बटन दिख रहा है, ठीक है। तो इसी सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो जाएगा, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग लगता है, क्योंकि देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उसे वेरीफाई करना होता है गूगल एडसेंस को। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सक्सेसफुली हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ ही सेकेंडों के अंदर आप सभी अपने गूगल एडसेंस का जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर चुके हैं आसान तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आप गोटेट इट पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको अब जो है 14 दिन के अंदर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप जो है उसे सबमिट करके यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पेमेंट मेथड आ रहा है, तो यहाँ से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं आसान तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से आप जो है अपने Google AdSense का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आइए अब दोस्तों, आप सभी को पता चल गया Google AdSense का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही, मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से बातें कर सकते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप सभी नए, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।